सिंह कदे भी जंजू तिलक इहदा इस्तेमाल नहीं करेगा। सिंघां नूं मुक्ति केवल खालसा पंथ विच ही प्राप्त होवेगी। सिंह हिंदू जाति दीआं कुल रस्मां दा त्याग कर पर बाकी धर्मां दे तीर्थां ते पवित्र भावनां ते विचारधारा दा सत्कार करना ई जरूरी है, इहदा ख्याल रखणगे। उहनां दे लताड़े जा रहे धर्म ते देश दी रक्षा सिंघां दा फर्ज है। मजलूम दी रक्षा, इस्त्री दी रक्षा अते स्वै दी रक्षा लई खालसा निता प्रति तैयार बर तैयार रहे। तुरकां दा नाश करना इस सिंघां दा कर्तव्य होएगा। सिंह परमात्मा दी पूजा सच्चाई ते शुभ अमलां राहीं करनगे। केवल एक ओंकार निरंकार अकाल दी पूजा ही होवेगी ते किसे किरतम दी उपासना नहीं कीती जावेगी। सिंह किसी भी इंसान अगे अपना सीस नहीं झुकाउणगे। हाँ, सत्कार सहित किसी बजुर्ग सियाने महात्मा नूं नमस्कार करना फर्ज बनता है। किसी कबर जां मड़ी नूं नहीं पूजणगे ते पूजा केवल गुरु ग्रंथ साहिब दी ही होवेगी। सदा गुरु नानक देव जी नूं अपना गुरु स्वीकार करनगे ते उन्हां दे उत्तर अधिकारी गुरुआं दा सन्मान ते उन्हां दे उपदेश ते अमल करनगे। अमृतसर दे सरोवर ते श्री हरिमंदर साहिब दे दर्शन ई सिखां दा तीर्थ अते इष्ट पूजा है, जो सिंघां दा सदीवी तीर्थ बनिया है। सिंघ जद भी एक दूजे नूं मिल तां गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ही उन्हां दा बोलबाला होवेगा। तंबाकू की किसी भी तरह की वरतों बज्रकृत मनी जाएगी। सिंघ खालसे विच ईश्वरी शक्ति का निवास ते विश्वास धारण ई जरूरी होएगा। हर प्रकार के नशे तो अपने आप को मुक्त रखना है। नशा केवल प्रशादे का रखना है। इस तरह खालसा धर्म की स्थापना समय गुरु जी ने हेठ लिखे आदमियों को शामिल करने तो इनकार भी किया है, पर जेकर वह पिछला कर्म वर्तारा ते विश्वास त्याग के शुद्ध भावना नाल खालसा पंथ विच प्रवेश करना चाहुण तां योग सोध उपरंत शामिल किए जा सकते हैं। उन्हां विच मसंद श्रेणी के कुछ ओ मसंद जिहड़े गुरु धारना तो बागी होए सन, उन्हां दिनां विच धर्मशाला ते आम धार्मिक डेरियां दे प्रबंध करदे सन ते उन्हां ते कब्जे रखते सन। वह धर्मशाला के एक तरह के मैनेजर प्रबंधक सन जो धीरे धीरे पुजारी बन चुके सन। इस श्रेणी के लोग आम तौर पर बुझदिल कायर आलसी ते निकम्मे हो गए सन। दूजे धीर मलिए भाव धीर मल के उपाशक ते सेवक। धीर मल ने गद्दी की खातर गुरु जी नाल झगड़ा किया ते गुरु तेग बहादुर जी की सख्त विरोधता की, इथों तक कि उन्होंने गोली चलवाई ते हमेशा उन्होंने तंग करता ते तकलीफ देता रहा। राम राइए, राम राय गुरु जी के चाचा सन। गुरु तेग बहादुर जी दे ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे गद्दी ते विराजमान होण समय दोवें वेले ईरखा ते झगड़ा किया ते गुरु साहिब नूं हर तरह दुख तकलीफ दित्ते। सिर गुम, नड़ी मार, कुड़ी मार ई बज्र कुरैतां ते कुरैतां निश्चित कीतियां गईयां। इन्हां तों उपरंत क्योंकि उस वेले भारत विच एक बहुत भैड़ी रीत चलती सी जमदियां कुड़ियां नूं मार देना, ते गुरु जी ने अजिहे नीचां नूं अडरे रखणा ही योग समझिया। उन्हां ते कोई भरोसा नहीं सी कि वह खालसा धर्म विच शामिल हो के भी इस बुराई की आदत तो बाज आउंदे। सिखां नूं कुड़ी मार नाल मेल जोल ते विआह शादी तो बिल्कुल रोक दिता गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की बुनियाद रखण विच अपना प्रेम संदेश ते अपना इश्क पूरा किया। गुरु जी ने खालसा धर्म के सुनहरी असूलों नूं संसार के इतिहास विच ते समय के पन्नों उपर बड़े सुंदर अखरां विच लिखिया। इस लिखत उपर गुरु जी ने अपने दस्तखत करने सी ते अजे शहादत राहीं तस्दीक करन दा काम बाकी सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने खून नाल
इस प्रेम संदेश उपर दस्तखत किए ते अपने चार पुत्रां दी शहादत कुरबानी नाल इस नूं तस्दीक करवाया। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पंजां प्यारियां दी परख करके उन्हां नूं ही खालसा पंथ विच दाखिल कर चुके ते आप भी दाखिल हो चुके ते खालसा धर्म दे बुनियादी असूल भी खालसे दे दिलां ते अंकित कर चुके, जिहड़े लोग गैर सिख खत्री ते ब्राह्मण उत्थे हाजिर सन उन्होंने गुरु जी की इस कार्रवाई को उक्का ही पसंद ना किया। वो उठ के चले गए ते अपने धर्म ते रस्मां विच विघन ते दखल विरुद्ध रौला रप्पा पाउण लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखां नूं संबोधन करके आख्या, जां की शोत जगत कौ लागै तां पर तू ही टरै, नीचों ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। ये बाणी भगत रविदास जी की पहला ही श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंकित की हुई सी। उन्हें आख्या, नीचा ने अवाशी उच्चा होना है, ये अकाल पुरख का हुक्म है जिसकी पालना असी करनी है। जिन्हों लोगों हम ब्राह्मण जात वाले किरणा ते नफरत करते हैं, मेरे पिछों ओह ही मेरे वारस होणगे ते सन्मान पाउणगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना वचन पूरा किया ते उन्हां दी विरोधता ते रौले रप्पे की उक्का कोई परवाह ना कीती। जो कुछ भी गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन बारे पता लग सकिया है उसका जिक्र ना करना जीवन वृतांत लिखण के फर्ज तो मूँह मोड़ना ते भुल होवेगी। इसलिए असी इत्थे इस संबंध विच भी कुछ कहना चाहते हाँ। गुरु जी का शरीर कुछ भारी ते बहुत मजबूत सी, कद लम्मा, चेहरा बहुत ही सुंदर ते जलाल वाला सी। वो सख्त मेहनती सन, गुरगद्दी ते बैठे रहन दी थां शिकार विच ज़्यादा दिलचस्पी लेंदे ते रुचि रखदे सन। बहुत समा शिकार विच बतीत करदे ते सिखां विच भी शिकार दा शौक भरदे। रिछ, चीता, शेर आदि जंगली जानवरों का शिकार करते सन। शस्त्र विद्या खुद भी हासिल कीती ते सिखां नूं भी सिखलाई, अपने पुत्रां नूं भी काफ़ी शस्त्र विद्या दित्ती। जदों कोई सिख घोड़ा जां शस्त्र भेट करदा तां बहुत प्रसन्न हुंदे। घोड़े पालन ते घोड़सवारी का बहुत शौक सी, आप बहुत ही जबरदस्त घोड़सवार सन, तलवार ते तीर दे काफ़ी माहर ते धनी सन। शिकार विच तेग, कटार, सरोही, नेजा ऐसे हथियार वरतदे सन। तबेले विच बहुत वधिया घोड़े सन, अमीरां वांग दरबार सजाउंदे। उन्हां दा एक दीवान सी जो मीर मुंशी ते घरेलू प्रबंध करदा सी। लिबास अमीराना रखदे सन, लक नाल हमेशा तलवार बन के रखदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी उच्च कोटी दे कवि सन अते अपने लोक भाषा ते मात भाषा विच हर तरह की कविता रचते सन और खूब रचते सन। कविता बड़े ढंग ते जोरदार शब्दों विच लिखते सन जिसका प्रभाव हर एक ते पैंदा सी। उन्हां दे दरबार विच उगे विद्वान, शायर, पंडित ते कवि काफ़ी गिनती विच मौजूद सन जो अपने विद्वता राही उत्तम साहित रचते सन। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां सारयां दी बहुत कदर ते हौसला अफजाई करदे ते मायक सहायता भी बहुत करदे सन। उन्हां नूं प्राचीन इतिहास ते धार्मिक पुस्तकां दे सुण ते अध्ययन दा बहुत शौक सी, फारसी ते अरबी अच्छी तरह जानदे सन, संस्कृत दे भी काफ़ी ज्ञाता सन। जंगी वारां ते कारनामे बड़ी दिलचस्पी नाल सुणदे ते काफ़ी लंबा समां इस विच लगाउंदे सन। उपनिषद, वेद, उपवेद, पुराण, सिमरतियां भी सुनिया करदे ते हिंदुआं दी विचारधारा ते मजहबी मसलियां तो भली प्रकार जाणू सन। वह विद्या विच निपुण ते विद्वानां दे मित्र सन, शायरां ते पंडितां नूं अपने कोल रखदे ते उहनां दा बहुत सत्कार करदे। अपने कई सिखां नूं संस्कृत दी विद्या प्राप्त करन लई काशी भेजिया। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी वांग राग ते सरोद वल बहुत ही रुचि तां नहीं सन रखदे, पर फिर भी
भजन कीर्तन हर रोज करदे ते शब्द सुनदे सन। ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਬਣਤਰ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਗਨ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਤੇ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸੋਮੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇੰਝ ਦੌੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਿਕਨਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ, ਘਟੀਆ, ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਵਾ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚਬੂਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ 700 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਮਾਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਬੇਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਗਰੀਬੜੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਡਿਤਮ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਓ, ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਓ, ਬਿੱਲੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਾਓ, ਤਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਾਓ।
इस गल बारे असहमति है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस वेले आख्या, किस मौके ते उच्चारण किया, पर इस तो किसी नूं भी इनकार नहीं कि यह कथन अखर अखर मर्दां दे बचन वांग पूरे सिद्ध कर विखाए, कहा अते करके विखा दिता। गुरु जी दे उपाशक ते सिंह किस मिट्टी दे बने हुए सन, किस किस्म की सच्चाई दलेरी ते शरदा उन्हां दे दिलां विच अपने गुरु लई सी, असी उसका कुछ वर्णन पंजां प्यारियां दे विस्थार विच कर आए हाँ। उन्हां सिंघां दी बहादुरी, दलेरी, निडरता, मार्शल स्पिरिट, युद्ध वीरता, यह तो उन्हां कारनामें तो भली प्रकार सिद्ध हो जाती है जो गुरु जी के जीवन विच ही उन्हां कर विखाए ते बाद विच अज तक करदे आ रहे हन। इत्थे असी केवल दो उदाहरण ही पेश करदे हाँ। एक बार जद किसी सिख ने दरबार विच गुरु जी नूं बंदूक भेट कीती ते गुरु जी ने उस बंदूक दा निशाना परखण लई किसी सिंह दी कुर्बानी मंगी। उस समय कई सिंह नित्र के आए ते हर एक इहो आखदा कि गुरु जी मेरे ते कृपा करो, मैनू निशाना बनाओ। एक होर वार हसदे हसदे गुरु जी ने एक सिख वाल इशारा करके आख्या कि जा उसनू जाके फांसी दे दिओ। इस दी ना कोई वजह ते ना कोई कसूरी दस्या, बस यही आख्या कि गुरु नू उस दे सिर दी लोड़ है। उस सिख ने किसी हील हुज्जत तो बिना अपना सिर पेश कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश होए ते आखन लगे कि अजिहे ही मरजीवड़े ते सिदकी सिखां नाल मजलूम हिंदू जाति दा उधार हो सकता है। खत्री कुल दे राजे ते ब्राह्मणा ने गुरु जी नाल की सलूक कीता, इतिहास तो सारा सिख जगत बाखूबी वाकफ है। वो तो ऐलानिया ते खुलम खुला गुरु जी दे उदेश ते जात ते सख्त विरोधी हो गए। ब्राह्मणा ने वर्ण जाति दियां हद्दां टुटदियां ते जंजू अलोप हुंदे देख के ही बहुत रौला पाया कि आले दुआले दे पहाड़ी राजां दा धर्म ही लुट गया। जिथे लुट गया है उथे नष्ट ते बर्बाद भी हो गया है। ये आख के गुरु जी दे विरुद्ध भड़काया। पहाड़ी राजे एक तो इस करके गुरु जी तो औखे सन कि वह नीवी जात वालियां नूं उच्चा चुक के उन्हां दे बराबर खड़ा करी जा रहे सन। दूजा ईरखा दी अग्नि दे वस होयां नूं उन्हां दे दिलां विच इह वी भारी तौंखला सी कि गुरु जी दी वधदी ताकत किते उन्हां दीआं जड़ां हीणां पुट के रख देवे। कुछ पहाड़ी राजां दी जाति दुश्मनी तां गुरु जी नाल पहलां ही कायम हो चुकी सी, हुण ब्राह्मणा ने पहाड़ी राजां नूं चुकिया ते भड़काया कि गुरु गोबिंद सिंह हिंदू धर्म दे दुश्मन हन, सानू सब नू मिल के उन्हां दा अजिहा नक विच दम करना चाहीदा है कि उन्हां नू किते सुख दा साह ना मिल सके। पहाड़ी राजिआं नू वी गुरु जी ने खालसा धर्म विच शामिल होण दा सद्दा दित्ता, पर अपने कुल ते जात दे अभिमान विच फसे होया ने घिरणा प्रगट कीती ते गुरु जी दी विरोधता करन लग पए। हाए हिंदू कौम, तेरे तो वड्डा अकिरत कण कौण हो सकदा है, तेरे तो वधेरे ना शुकरापन किस श्रेणी विच हो सकता है। सच्चे कौमी भगतां दी ना कदरी ते तो ज्यादा होर किसने करनी है। सच्चे देश भगतां नूं दुख ते तसीहे देण विच तेरे नालों ज्यादा जांगली ते वैशी होर कौन हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी तां तुहाडी खातर घर बाहर जान माल वारन की तैयारी कर रहा सी, इत्थों तक कि आपा वारन की तैयारी विच जुटिया होया सी। वह तुहानू जिल्लत की नीवी खड विचों डिग्गियां नू चुक के आकाश ते पहुंचाण दी धुन विच मगन सी, पर इस दे उल्ट तुसी अपने ही खुदगर्जी कीने ते ईरखा दे कारण उस दे विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर रहे हो। इस ना शुक्रपन, इस बुगज कीने ते ईरखा कारण ही सदा तुसी गुलामी दे पटे नू गल विच पाई फिरदे रहे हो। जो होना सी सो हो के रहा। राजपूत क्षत्री पुणे दे जबानी दावेदार
भारत के बेवकूफ ते जंगली पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह जी के विरोधी हो गए। उन्हां विचों कुछ पहाड़ी राजियां ने मिल के गुरु जी नूं तकलीफां देणियां शुरू कर दित्तियां। गुरु जी का महान ते बलवान दिल अजिहियां तकलीफां ते मुश्किलां तों काबरन ते डरन वाला ते नहीं सी, ते ना ही उन्हां नूं कोई नुकसान पहुँचा सकता सी, पर उन्हां दे पवित्र उदेश ते काफ़ी चोट वजी। उस समय दे खत्रियां ते ब्राह्मणां उपर पत्थर दिली, बुझ दिली ते घटिया पांदे जो दाग सदा वास्ते लग गए, वह कदे भी उतर नहीं सकते। पहला वार जिवें कि अजिहे हालातों विच हुंदा है, पहाड़ी राजे ने यह किया कि गुरु जी ने आख्या कि वह उन्हां दे इलाके विचों निकल जाण ते आनंदपुर छड जाण। उन्हें यह भी मांग की कि गुरु जी दे सिंघां ने उन्हां दी प्रजा का जो नुकसान किया है उसका इवजाना रुपइयां विच भरन, नहीं तो उन्हां उत्ते फौजी हमला किया जाएगा। गुरु जी आनंदपुर नूं क्यों त्याग दे जबकि उन्हां दे पिता जी ने जर खरीद जमीन लैके नगर वसाया होया सी। ओ क्षत्री महान वीर योधे गुरु साहब जो समुचे भारत नूं जाबर जरवाणियां दी कैद विचों आजाद करवाउण दा चिंतन कर रहे सन, वह उन्हां राजिआं दीआं गिद्दड़ भवकियां सुण के अपना फकीरी आलणा भाव घर बार किवें छड के बाहर जाण दी सोच सकदे सन। जिवें कि अजिहे वीरता दे पुंज योधे पासों आस कीती जा सकदी सी, गुरु जी ने राजिआं नूं उत्तर दित्ता कि रुपइया तलवार नाल ते आनंदपुर गोली नाल ही लिया जा सकता है। यह करड़ा जवाब सुन के राजिआं नूं गुस्सा आया। इस उत्तर नाल राजपूतां दे खून ने जोश से उबाल खाधा अते उन्होंने तलवार म्यान चो बाहर कढ़ी अते गुरु गोबिंद सिंह जी वल वधे, कई हमले कीते अते कई वारी फौजां चढ़ा के लियांदियां। हर वारी जो नतीजा निकलता रहा उसका थोड़ा जिहा संखेप जिक्र असी आप जी दे नाल सांझा करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हिंदुआं दे इस तूफान बेतमीजी ते मुसलमानां दे तुअसब दे हड़ विच खालसा धर्म की स्थापना करके ब्राह्मणा ते मुलाणियां दे झूठे विश्वासां ते बेकार मजहबी नियमां उत्ते तां विजय प्राप्त कर ली सी, पर भारत दे मुसलमान शहनशाह दीआं शाही फौजां नूं अजे हार देनी बाकी सी। इस दे लई ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ और टेंदी कला है जिस विच बहुता वजन नहीं। उदों केवल हिम्मत ते हौसले दी ही तां लोड़ सी। एशिया दीआं सारीआं हकूमतां केवल एक एक आदमी दी हिम्मत नाल ही कायम होईआं सन। नादर शाह दी सल्तनत, बाबर दी सल्तनत, इन्हां बारे जद इतिहास बोलदा है ते कल्या कल्या ने शुरू करके काफले बना के इन्नियां महान सल्तनतां कायम कीतियां। केवल एक आदमी ने कुछ होर आदमी इकट्ठे किए, हौली हौली ताकत वधाई तो फिर वह शहनशाह बन गया। इस तरह गुरु जी विच हिम्मत सी, दलेरी सी ते नाल जाना मारन वाले सिंह भी हाजिर सन। इस विच कोई शक नहीं कि वह जरूर कामयाब होंदे, पर कुछ कारण अजिहे सन कि वह अपने उद्देश की मुकम्मल प्राप्ति अपने जीवन विच ना कर सके अते वह मुसलमानां दी हकूमत दी जड़ असलों ही पुट नहीं सके, पर वह अपने लड़ाके सिंघां राहीं अजिहा भांबड़ बाल गए जिस विच अंत नूं मुगल हकूमत सड़ के सवाह हो गए। उन्हां दे अपने जीवन काल विच उद्देश मुकम्मल ना हो सकन दे कुछ विशेष कारणां विचों पहला यह सी कि शिवाजी वांग वह चालबाज नहीं सन ते धार्मिक आगू होण करके वह फरेब ते धोखा कदे ना कर सके ते ना ही अजिहा करना उन्हां अपनी शान दे अनुकूल समझिया।
ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਹੁਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੀਏ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਖੁਦਾਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ, ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਜ਼ਗੀਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਧਰਮਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਸਵੰਧ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਲਮ ਚੰਦ, ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪਾਸੋਂ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।